99 वा वेबिनार है गुजरात के गांधीनगर में अधिक प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एपीसीसीएफ तरीके कार्यरत एवं डॉक्टर एपी सिंह साहब आज हमको गुजरात के दुर्लभ और भयजनक पेड़ पौधे के बारे में जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर एपी सिंह साहब को विनती करता हूँ तो वो अपना वक्तव्य। नमस्कार, थैंक यू। हिंदी में बात करें मित्रल्य साहब चुके हैं, मुझे लगता है सबको इससे फायदा हो रहा होगा। तो मित्रल्य साहब ने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन मैं थोड़ा और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं 1990 बैच का आईएफएस अधिकारी हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर हूँ और 30 साल मुझे गुजरात के और इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में पूरा सर्विस किया है, हर जगह पर सर्विस किया हुआ है। और इससे पहले मैं 5 साल तक आयुर्वेदिक विभाग का डायरेक्टर रहा हूँ गुजरात में, आयुष विभाग का डायरेक्टर रहा हूँ 2003 से 2008 तक, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का पहला सीईओ रहा हूँ मैं, बायोडायवर्सिटी बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी रहा हूँ 4 साल तक, और डीएफओ से लेके कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर गिर फॉरेस्ट में भी मैं 4 साल तक गिर फॉरेस्ट में रहा हूं। तो करीब करीब फॉरेस्ट के रिसर्च हो, वर्किंग प्लान हो, टेरिटोरियल हो, सभी विंग्स में काम किया हुआ है। और अभी मैं गुजरात राज्य का एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन तरीके काम कर रहा हूं। मेरी पीएचडी मेडिसिनल प्लांट बोर्ड प्लांट्स में ही है और मैंने पीएचडी जो पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में स्टार्ट किया था, लेकिन आईएफएस में सिलेक्शन होने के कारण वो छूट गया और यहाँ गुजरात में मीनू परविया साहब के अंडर में ही मैंने मेडिसिनल प्लांट पर पीएचडी किया 2000 से लेकर 2003 के बीच में। और कनु भाई तो हमारे साथ काम कर चुके हैं, काफी लोग जानते हैं, लेकिन काफी लोगों से आज पहचान। ध्रुव साहब आ गए, वो भी हमारे गुरु समान है और गिर में उनके साथ काफी काम किया, जूनागढ़ में साथ में रहे। वेलकम सर, मैं आपका इंतजार ही कर रहा था कि आप आज दिख नहीं रहे। परसों बात हुई थी ट्रीज के बारे में, लेकिन मेरा माइक बंद था तो मैं कोई बात नहीं कर पाया। तो आपके मार्गदर्शन में शुरू कर रहा हूँ और जहां भी कुछ लगे तो आप हमको बता दीजिए। तो मैंने कोशिश किया है कि ये रेयर एंड थ्रेटन्ड ट्रीज ऑफ गुजरात, गुजरात के मैं जो ट्रीज की बात करूंगा, गुजरात के वनों के वनों में जो झाड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उसके ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और वो गुजरात राज्य ना दुर्लभ अने भयजनक वृक्षों ने अपने बात करिए। एम तो काफी लोगों ने इसके बारे में बात किया है, लेकिन अपने ये करेंगे कि रेयर ट्री क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन से दुर्लभ वृक्ष है। दुर्लभ कुदरत में जिसकी संख्या पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए उनको दुर्लभ वृक्ष कहा जाता है, रेयर कहा जाता है। और उसका फ्यूचर में रीजनरेशन होना या उनको लगाना या वो कंटिन्यू कर पाए आने वाली जनरेशन में कि नहीं, इसलिए वो भयजनक की कैटेगरी में आ जाते हैं। कि पहले तो रेयर है, दुर्लभ है, अब दुर्लभ वृक्ष कितने आगे तक दुर्लभ तरीके रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इसलिए वन विभाग भी ऐसे वृक्षों के ऊपर खास ध्यान रखता है। अपने पुंजारी साहब नमस्कार, पुंजारी साहब भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो भी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। तो ये सभी निष्णांत और विद्वान लोग हैं, उसके बीच में मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो शुरू करिए, फर्स्ट स्लाइड नेक्स्ट। तो ये पहला जो वृक्ष है उसकी हम बात करेंगे कि ये डेलेनिया पेंटागायना डेलेनियेसी फैमिली का है, जिसको हम करमल या करवत बोलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर झाड़ है, इसके आप अगर लीफ देखेंगे तो ब्यूटीफुल स्पीसीज, सेरेट जो लीफ है, इसकी सेरेट लीफ है, बहुत ही सुंदर होती है। और इसके येलो फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं,
फ्रूट्स देंगे, येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं। और ये जो ट्री है वो साउथ ईस्ट एशिया से लेके मलेशिया के बेल्ट से लेके गुजरात तक मिलता है, लेकिन गुजरात में आते आते जो अपने मॉइस्ट फॉरेस्ट हैं, डांग, ये डांग के जंगलों तक ही सीमित है। दूसरी जगह कहीं एक दो झाड़ मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी जो संख्या है वो डांग के पूर्णा सेंचुरी में इसके बड़े बड़े ट्री मिलते हैं। तो ये खास करके साउथ गुजरात में मिलता है, येलो फ्लावर है और लार्ज सेरेट लीव्स हैं, और इसको एलिफेंट फ्रूट ट्री के नाम से पहचाना जाता है। वैसे तो इसकी दो तीन स्पीसीज और होती हैं, लेकिन गुजरात में ये एक ही प्रजाति मिलती है। और इसको बचाने के लिए जरूरत है, वन विभाग इसके बीज इकट्ठे करके नर्सरी में रेज करता है और इसको प्लांटेशन में हम लोग लगाते हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ जुड़े हुए हैं हाई रेनफॉल एरियाज में, आपको पता है कि हमारे गुजरात में कच्छ में 200 मिलीमीटर से लेकर डांग में 2000 मिलीमीटर का बरसात होता है, तो जहां 1500 से 200 मिलीमीटर का रेनफॉल है उस एरिया में इस ट्री को लगाया जा सकता है, गार्डन में लगाया जा सकता है, बहुत सुंदर झाड़ है, तो इसको बचाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। मैं जब राजपीपला में था तो वहां इसके हर बंगले में इसके हमने झाड़ लगवाए थे, हर एक बंगला हो, नर्सरी हो, घर हो, ऐसी जगह गार्डन हो, वहां इसके वृक्ष के पौधे लगाना चाहिए। तो ये एक ट्री है गुजरात के लिए, जिसे जो जंगलों में भी मिलता है लेकिन इसके प्लांटेशन में अभी बाहर नहीं आया है। तो जो हाई रेनफॉल के रीजन्स हैं उस एरिया में इसको लगाया जा सकता है और बचाया जा सकता है और इसको कैरिकुलम में लिया जा सकता है और इसका प्रोपेगेट करके हर जगह इसको उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो झाड़ है इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है, और ये अपना क्रेटिवा नरवाला कैपेरिसी फैमिली का है, जिसको बर्नो या बाय बर्नो बोलते हैं। और ये तीन पत्ती के आप कहीं भी इसको पहचान सकते हैं कि तीन पत्ती के नाम से इसको आराम से इसका देख सकते हैं। और स्टेमेंस बहुत, नंबर ऑफ स्टेमेंस बहुत ज्यादा होते हैं इसके। और मॉडरेट साइज ट्री है विद आस कलर्ड बार्क, ट्राइफोलियोलेट, तीन लीफ की मैंने बात की, ग्रीनिश येलो फ्लावर होता है, वुड येलो यूज्ड इन ड्रम्स एंड कॉम्स बनाने में काम लगती थी, वार्क यूज इन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। तो ये झाड़ भी अपना जो है ये अपने खास करके साउथ गुजरात के जंगलों में ये ट्री मिलता है। और ये ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम साइज का ट्री है, बहुत सुंदर है, लीफ पीस की भी सुंदर दिखती है, लेकिन अभी छोटा चबाया रह गया है। हमारे जैसे सूरत के मांडवी है, उमरपाड़ा है, और अपने ब्यारा के फॉरेस्ट हैं, डांग के फॉरेस्ट हैं, वलसाड़ के फॉरेस्ट, इसमें कहीं कहीं ये ट्री मिलता है, लेकिन इसको बचाने के लिए हम सबको जरूरी है, ये बहुत आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी ये ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बार्क जो है, जो छाल है, वो अपने खास करके यूरिनरी जो अपने किडनी से रिलेटेड है, प्रोस्टेट से रिलेटेड है, इससे और किडनी स्टोन्स के रिलेटेड इससे काफी आयुर्वेद में दवाएं बनाई जाती हैं। तो ये मेडिसिनल प्लांट भी है, टिम्बर प्लांट भी है, फॉलिएज प्लांट भी है और सुंदर प्लांट भी है। तो इसको भी बचाने के लिए जंगल से बाहर निकालने की जरूरत है, बाहर लगाने की जरूरत है, गार्डन में लगाने की जरूरत है, और देखने में बहुत सुंदर ट्री दिखता है। तो यह है अपना बाय बर्नो, बर्नो जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट,
तीसरा एक झाड़ है जिसको शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये अपना ट्री है, इसको गनेरी, गनियारी या गल गूगल, अलगल के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नाम है कॉक्लोस्पर्मम रेलिजियोसम। ये कॉक्लोस्पर्मेसी फैमिली का है और रेलिजियोसम जो नाम है इससे है कि ये इसके फूल है वो मंदिर में चढ़ाए जाते थे, मंदिर में चढ़ाए जाते थे पहले। और ये मीडियम साइज का वृक्ष है, येलो ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स होते हैं, टॉप पर लगते हैं, ऊपरी भाग में झाड़ के लगते हैं। और जब पूरा ट्री लीफलेस हो जाता है उस समय पूरा फ्लावर से भर जाता है। फ्लावर्स आर विजिबल व्हाइल ट्रीज लीफलेस फाउंड इन राजपीपला। गुजरात में ये खास करके गोरा राजपीपला में जो केवड़िया एरिया है उसमें एक गोरा एरिया है, गोरा का जो फॉरेस्ट है उसमें खास करके मिलते हैं। बाकी तो छोटा छवाया कहीं भी एक झाड़ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसको सिल्क, येलो सिल्क कॉटन भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके सीड के ऊपर कॉटन जैसी रोबाटी होती है। इट कंसिडर्ड एज ए फायर रेजिस्टेंट। अब इसको इसको खत्म क्यों हुआ, कम कैसे रह गया, ऐसा कहा जाता है कि वन विभाग जो हमारे जंगल में आग लगती है तो ये झाड़ पर आग का कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए इसको फायर रेजिस्टेंट ट्री कहते हैं। और जब हम लोग आग बुझाते हैं हमारा स्टाफ तो इसकी सारी टहनियां तोड़ तोड़ के आग को पीटने का काम करते हैं इससे। तो बहुत सारे झाड़ आग बुझाने के चक्कर में और इसकी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। तो हम लोग इसको हर साल इसका बीज इकट्ठा करके नर्सरी में रेस करके और लगाते हैं, लेकिन इसको हर जगह लगाया जाए इतना ब्यूटीफुल येलो कलर का ट्री होता है, फ्लावर्स होता है, तो मुझे लगता है इसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, दूसरा ये जो झाड़ है इसके बारे में तो सभी जानते हैं मुझे लगता है कि एस्पेशिया पॉपुलनिया, ये मालवेशी का प्लांट है। इसको पारस पीपलो या परदेसी भिंडी कहते हैं और ये कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारे पाया जाने वाला झाड़ है। अथवा ये झाड़ वहां मिलता है जहां सॉइल में सेलाइन सॉइल होती है, सेलिनिटी होती है, क्षार की मात्रा ज्यादा होती है, उस एरिया में बहुत अच्छा सुंदर झाड़ है, देखने में बहुत सुंदर है, फ्लावर भी सुंदर है, लीफ भी बहुत है। तो ये बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, कॉर्डेड लीव्स होती है, येलो फ्लावर से सेलिनिटी एरिया बहुत अच्छा होता है। बार्क, फ्रूट, जूस, फ्लावर, ये सभी के सभी स्किन डिजीज में ये मेडिसिनल प्लांट भी है, स्किन डिजीज में काम लगता है। और शायद आप लोग कुछ लोग जानते होंगे जो आयुर्वेद की जानकारी रखते हैं, आपको पता होगा कि आयुर्वेद में स्किन डिजीज के लिए एक पाउडर होता है, इसको पंचवल्कल पाउडर बोलते हैं, आप लोग कुछ जानते होंगे। और ये खास करके सोरियासिस डिजीज में स्किन को प्योरीफाई करने के लिए, उसको साफ करने के लिए उपयोग होता है। तो पंचवल्कल पाउडर जो होता है उसमें पांच झाड़ों की बार्क उपयोग में आती है, तो उसमें पांच जो है, पांच में एक ये भी है, इसकी छाल भी काम लगती है। लेकिन आप लोग पूछेंगे चार और कौन कौन से हैं, तो कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन मैं बता देता हूं कि चारों के चारों अपने फाइकस की स्पीसीज है। फाइकस रेलिजियोसा है, फाइकस जिसको पीपल बोलते हैं, फाइकस ग्लोबिरेटा है जिसको उमरो बोलते हैं, गूलर बोलते हैं, फाइकस लेकर है जिसको पीपली बोलते हैं, और फाइकस बेंगालेंसिस बर्ड बोलते हैं। तो पांच इन झाड़ों की बार्क से एक पाउडर बनता है जो एंटीसेप्टिक, उसमें काफी गुण है, काफी गुण वाला पाउडर है जो आयुर्वेद में काफी काम लगता है। लेकिन इसका बहुत ही रेयरली इसको मिलता है कि वो पांच बार इकट्ठी करके उसको बनाया जाता है। तो ये आज भी जब मैं आयुर्वेद का डायरेक्टर था उस समय जो सोरियासिस के ऊपर हम लोग काम करते थे और हमने प्रोटोकॉल डेवलप कर दिया था कि आयुर्वेद से सोरियासिस को मिटाया
सकता है। एलोपैथी में कोई भी इसकी दवा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद से इसको मिटाया जा सकता है। उसमें इस पंचवल्कल पाउडर का उपयोग होता था और आपका खदिरादी बट्टी, इसको खैर बोलते हैं, खैर की बार्क से जो गोली बनती है उसको खदिरादी बट्टी बोलते हैं, और नीम का जो होते हैं टेबलेट, वो मिला के और उसके अलग अलग प्रोटोकॉल से हम लोग इसको सोरियासिस में उपयोग कर चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्री है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन इसको हमें बचाना है, बढ़ाना है और बहुत सुंदर अपने आने वाली जनरेशन को भी दिखाना है कि ये गुजरात में ये झाड़ होते थे। नेक्स्ट, दूसरा एक झाड़ है, बहुत ही रेयर है और बड़ा सुंदर झाड़ है, बहुत सुंदर इस पर फ्लावर लगते हैं और फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज भी है। ये मीडियम साइज का ट्री होता है और व्हाइट फ्लावर्स, बार्क गिव्स फाइबर और वुड यूज फ्यूल वुड की तरह उपयोग होता है। और अभी भी ये छोटा चवाए डांग के जंगल में और गिर में, अपने शासन गिर के जंगल में इसके झाड़ मिलते हैं, बहुत कम है। और ये दिनों दिन इतने कम इसलिए हो गए कि जब भी पहले तो ये जो है झाड़, जब लोग जंगल में से लकड़ी इकट्ठी करते हैं, हेडलोड बनाते हैं, तो इस समय उसकी वो बार्क को पीलिंग करके उसका गट्ठर जो बांधने का काम करते थे, उसकी छाल में जो फाइबर होता है उसका उपयोग करते हैं, या कोई भी पूड़ी बनाते हैं या कुछ भी बांधने का काम जो जंगल में करते हैं, उसकी वजह से इस झाड़ का निकंदन निकला हुआ है और बहुत कम है। सुंदर ट्री है, सुंदर फ्लावर आते हैं, तो इसको भी हमें बचाने की जरूरत है। इसका कार्डिया कैलिशिडा मालवेसी फैमिली का है, इसको लोकल वारिंग या मोटी हिरवानी के नाम से पहचानते हैं। नेक्स्ट, दूसरा, ये सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिकुलिया यूरेंस कड़ायो काग डोली, इसको लोकल भाषा में बोलते हैं और बहुत सुंदर नेकेड लेडी ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, और चांद की रोशनी में बहुत सुंदर दूर से दिखाई देता है। लास्ट ट्री व्हाइट टू पिंकिश इसकी बार्क होती है, फ्रूट टर्न्ड रेड व्हेन राइप एंड ब्लैक सीड्स, गम कराया इसका जो है, गम निकलता है इसको, कड़ाया गम या कतीरा गम के नाम से ये उपयोग होता है। अब देखिए इसमें ये ट्री बहुत कम होते हैं, कड़ाया गम निकालने की वजह से ट्री बहुत कम होते गए, लेकिन आज भी है और वन विभाग इसको लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे जंगल में जब किसी पेड़ से मैच्योर सीड नीचे पड़ते हैं तो उसका चौमासे में फिर से रिजनरेशन होता है, जर्मिनेशन होता है, नए झाड़ बनते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि इसका नाम काग डोली है, जैसे इसका बीज पकता है और खरने से गिरने से पहले ही कागड़ा जो है, कौए वगैरह या दूसरे जो बर्ड्स हैं, वो सारे के सारे सीड इसके खा लेती है, तो बहुत कम इसके सीड गिर पाते हैं। इसलिए इसका रिजनरेशन और इसको नर्सरी में लगाना, सीड कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है इसका। और बहुत सुंदर ट्री है, लीफ भी बहुत सुंदर है और इसको भी लगाया जा सकता है और बचाने के लिए हमें इसको लगाना चाहिए। नेक्स्ट, ये पहला जो है, पहला मेरा प्रेजेंटेशन है, 25 ट्रीज के बारे में बात करूंगा फर्स्ट प्रेजेंटेशन में। 7 नंबर का ट्री है हमारा, दूसरा इसी फैमिली का है, स्ट्रिकुलिया विल्लोसा, स्ट्रिकुलियेसी सार्डोल और उदाल इसको बोलते हैं। ये भी जो है अपने खासकर में के डांग के जंगलों में मिलता है और बहुत ही रेयर है, बहुत कम मिलता है, क्योंकि फ्लावर बहुत सुंदर है इसके, फ्रूट देखिए बहुत सुंदर है, लीफ भी सुंदर है और बहुत कम बचा हुआ है। और इसके जो फ्रूट होता है उसके ऊपर हेयर्स होते हैं, उसके ऊपर हेयर्स नहीं होते हैं। तो ये ट्री भी बहुत ही
फिंगर टिप्स पे आप कह सकते हैं कि इतने बहुत कम ट्री बचे हुए हैं जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल जो ट्री है उससे सीड कलेक्ट करके नर्सरी में लगा के हम लोग रेज कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। सीड लेके अगर दूसरे राज्य में भी है वहां से भी कलेक्ट करके हमें इसको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ गार्डन है, जहाँ हमारी नर्सरीज है, जहाँ जमीन है, हमको पता चले कि हमारा वारसा है, गुजरात ना या देश का वारसा है कि ऐसे ट्री होते थे और आज बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, भविष्य में ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उन सबको हमें मिलके उसके बारे में प्रयत्न करना चाहिए। ये ट्री खास करके बलसाड़ के अभी एरियाज में कुछ ट्री बचे हुए हैं। नेक्स्ट, इसी प्रजाति का दूसरा ट्री है जिसको इससे पहले भी डिस्कस हुआ, फर्मियाना कलरेटा या एस्ट्रपुलिया कलरेटा, जिसको कोदारो केदारो के नाम से जंगल में या लोग जानते हैं। ये भी बड़ा ट्री है, बहुत ही कलरफुल ब्यूटीफुल है, तबीयत खुश हो जाती है, इसका भी बार्क देता है ये, और गुजरात के जूनागढ़ और साउथ गुजरात में मिलता है, लेकिन ट्री बहुत लिमिटेड है। इसका एक झाड़ हमारे शासन का जो गार्डन है उसमें भी है और शासन के जंगल में है ये, और बहुत सुंदर है, लेकिन ट्री बहुत ही लिमिटेड है, इसको भी हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा ट्री है इसका जो बोथी करके इसको बोलते हैं, एस्ट्रपुलियेसी इसी फैमिली का है, बहुत सुंदर ट्री है ये भी, बड़ी लीफ होती है, आप देख सकते हैं। एरियोलेना कैंडोली, इसकी दो तीन स्पीसीज और होती हैं, गुजरात में रिपोर्टेड है, गुजरात में तीन प्रजातियां और भी रिकॉर्डेड है इसकी, लेकिन अभी तक हमको जंगलों में जो हम जाते हैं देखते हैं सर्वे करते हैं उसमें ये बोथी नाम की ट्री जंगल में बलसाड़ और गुजरात डांग के जंगल में इसके कुछ झाड़ बचे हुए हैं, और वुडी इसका जो है जो जो कैप्सूल है वो वुडी होता है और इसको बचाने की भी जरूरत है। नेक्स्ट, अब इसकी जो बात करेंगे हम, ग्रेविया टिलीफोलिया टिलियेसी फैमिली का इसको धामन बोलते हैं, धामन जैसे आप फालसा खाते हैं उसी फैमिली का है, फालसे की तरह का झाड़ होता है और मीडियम साइज का झाड़ होता है, येलो कलर के फ्लावर होते हैं, इसकी भी बार्क निकलती है स्टेम में से और फ्रूट्स इसके खाते हैं, बर्ड्स वगैरह बहुत अच्छे से इसके फ्रूट्स को खाती हैं, और लीफ भी फोल्डर की तरह भी उपयोग करते हैं, कैटल फोल्डर की तरह काम लगते हैं, और लकड़ी भी बहुत इसकी टिकाऊ है, बहुत ड्यूरेबल टिम्बर है, वो हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने में काम लगती है। तो ये ट्री भी और छोटा छबाया बचा हुआ है लेकिन अभी भी है, लेकिन इसकी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको बचाना चाहिए, लेकिन अगर सब लोग मिलकर इसके बारे में जानकारी लेंगे, ऐसे झाड़ों के बारे में, ऐसे वृक्षों के बारे में, तो हम सब मिलकर इसको बचा सकते हैं। हर साल कहीं कहीं एक दो दस झाड़ भी लगाएंगे तो आने वाले समय में हम इसको देख पाएंगे कि इस तरह के झाड़ हमारे गुजरात में मिलते थे, अब बहुत कम बचे हुए हैं और इसको हमें कैसे बचाना है। नेक्स्ट, दूसरा एक और ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट सुंदर झाड़ है लेकिन बहुत कम संख्या में बचा हुआ है इसका, ये इलियोडेंड्रॉन रॉक्स वर्गाई है, इसका सिनोनिम कैसिन ग्लौका, कैसिन ग्लौका करके इसका सिनोनिम है, इसको काल मुखो या आलन, आलन के नाम से सेलेस्ट्रेसी फैमिली का ट्री है और बहुत ही रेयर है, जंगलों में आप कहीं कहीं छोटा छवाया आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा। मैंने इसको सूरत के मांडवी और उमरपाड़ा के जंगलों में एक दो झाड़ पंचमहल में देखने को मिला है, तो ये ही मीडियम साइज का ट्री है, व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, वुड बहुत अच्छी है, टिम्बर बहुत अच्छी है इसकी,
और इसकी जो रूट है वो इमेटिक है, मतलब इमेटिक की तरह काम करती है, और एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट में इसको एंटीडोट की तरह इसकी रूट का उपयोग किया जाता है। तो ये ट्री भी बहुत सुंदर है, इसको भी हमें बचाना चाहिए, जानना चाहिए और हमें इसको प्रोपेगेट करना चाहिए। वन विभाग इसको लगाता है, हर साल हम लोग लगाते हैं और जंगलों में हमने बचाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ट्री ऐसे हैं जो जंगलों के बाहर आने की जरूरत है और इसको जानने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट, ये जो झाड़ है इसको मुझे लगता है काफी लोग जानते हैं, स्क्लेरा ओलियोशा सेपेंडेसी फैमिली का है, कुसुम, इसका नाम कुसुम या कोसम के नाम से लोकल भाषा में जानते हैं। बड़ा ट्री होता है, अब ब्यूटीफुल इसकी जो लीव्स होती है पिंक ब्राइट कलर की रेड लीव्स होती है, उससे ही हम झाड़ को पहचानते हैं, सुंदर लीफ है, सुंदर झाड़ है, पूरा झाड़ भी पिंकिश होके बहुत सुंदर लगता है, इसके येलो फ्लावर्स होते हैं, लकड़ी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने में उपयोग होती थी, कुसुम ऑयल सोप मेकिंग में, साबुन बनाने में इसका ऑयल उपयोग होता था, और जो लाख बनता है वो लाख का कल्चर करने के लिए इस झाड़ को होस्ट की तरह से उपयोग किया जाता है, लेकिन दिनों दिन इसकी संख्या भी बहुत लिमिटेड होती जा रही है, बहुत रेयर होता जा रहा है, जिसको वन विभाग कम होने का ये कारण होते हैं कि सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो इसके नेचुरल सीड सेटिंग जो होते हैं और चौमासे के बाद इसका जर्मिनेशन होता है जंगल में, वो जर्मिनेशन होके ट्रीज में दोबारा बनना चाहिए, लेकिन जैसे कि ग्रेजिंग हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, बहुत ज्यादा ट्रैम्पलिंग हो गया, एक्सपोज हो गया जंगल, लोगों की अवर जबर पड़ गई, तो वो नई जो सीडलिंग्स आती हैं वो एस्टेब्लिश सीडलिंग में दोबारा से नई जनरेशन तैयार नहीं हो पाती है, इसलिए जंगलों को बंद किया जाता है कि उसके अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजिंग जो ढोल का चर्याण होता है और फायर जो होती है उससे जंगलों में बहुत नुकसान होता है, और नई जो जर्मिनेशन से नए पौधे जो नए रोपा बनने चाहिए कुदरती रीते वो बनते हैं, लेकिन एस्टेब्लिश होके झाड़ में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बंद करके झाड़ में कन्वर्ट किया जा सके। तो मुझे लगता है कि इस तरह की झाड़ को भी हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट आगे आता है जो ट्री बहुत होता था पहले गुजरात में, लेकिन अब बहुत कम होता जा रहा है, आप हर कोई जानता है कि इसको अरीठी अरीठा बड़ा झाड़ होता है, ग्रे बार्क का पिंकिश व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, और आपको पता ही है कि सिर धोने में कपड़े धोने में इसको अरीठा का उपयोग होता था, अरीठा सिकाकाई, लेकिन आजकल लोग इसको बहुत कम उपयोग करते हैं, और धीरे धीरे ये झाड़ भी सेपेंडस इमार्जिनेटस सेपेंडेसी फैमिली का है, अरीठी अरीठा इसको बोलते हैं, और इसको भी हमें पहले तो उपयोग में लेना चाहिए, नेचुरल जो अपनी ट्रेडिशनल पद्धति है उसके अकॉर्डिंग उपयोग में आएगा तो हमें झाड़ को लगा के इसको बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट, इसी का दूसरा भाई है इसका सेपेंडस लॉरीफोलियस और सेपेंडस ट्राइफोलिएटस, ये भी इसका लीफ अलग होती है, एक्यूमुलेट लीफ होती है इसकी, लेंटिकुलेट और लार्ज ट्री है ये भी, ये बहुत कम होता है और पहले समय में इसका सिल्क के वॉशिंग में इसका उपयोग होता था। ट्राइफोलिएटस इसका जो सीड भी अगर आप देखेंगे तो तीन फ्रूट तीन मिलके जैसे बने इस तरह का होता था और ये बहुत रेयर है, डांग वगैरह में कहीं कहीं कुछ झाड़ मिलते हैं और कहीं कहीं मिल सकते हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसको भी हमें लगाने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है और इसका उपयोग करने की जरूरत है, और एजुकेशन में बच्चों को नई जनरेशन को भी जानने की जरूरत है कि हमारे गुजरात के ये धरोहर है, ये झाड़ होते थे और झाड़ अभी कुछ हैं और आने वाली जनरेशन के लिए हमें इनको संभाल के रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, 15वें नंबर का झाड़ है, पहले भी बहुत लास्ट एपिसोड में भी
डिस्कस हुआ था सेमिकार्पस एनाकार्डियम, एनाकार्डियसी फैमिली का, इसको भिलामो भिलामी और इसको आयुर्वेद में भल्ला तक के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको मार्किंग नट के नाम से जानते हैं। मीडियम साइज का ट्री है, जूस ऑफ फ्रूट वाज यूज्ड मार्किंग लाइन को मारने काम लगता था। आज जो बचे हुए हैं ये झाड़ अभी तक जो मैंने देखे हैं वो ब्यारा के फॉरेस्ट में कुछ झाड़ बचे हुए हैं और हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल हम इसको लगाते हैं और इसकी सीड सेडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट भी है। आपको बताया था डॉक्टर प्रज्ञा साहब ने इसकी डिटेल में बताया था कि इसकी काफी प्रॉपर्टीज हैं और आयुर्वेद में इसकी काफी मेडिसिन बनती हैं और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्री आयुर्वेद की दृष्टि से भी, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से भी, गुजरात की दृष्टि से भी और गुजरात के फॉरेस्ट की दृष्टि से भी, और बहुत सुंदर झाड़ है। अगर कभी आप सासन जाएंगे तो सासन में जो हमारा इंटरप्रिटेशन सेंटर है जहाँ टिकट बारी है उसके बाजू में ही आनंदी बेन पटेल जब एजुकेशन मिनिस्टर थी 2002 में, तब उन्होंने इस झाड़ को लगाया था और आज काफी बड़ा झाड़ हो गया है और उस पर फ्रूट्स लगते हैं और उनकी नेम प्लेट भी उस पर लगी हुई है। तो बहुत सुंदर ट्री है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सब मिलके अगर इस पर काम करेंगे तो हम इसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर का झाड़ है ये आपका स्पोंडियास पिन्नाटा, स्पोंडियास मेंजीफेरा, एनाकार्डियेसी फैमिली का है, अंबाड़ी अम्बेटो, इसके बारे में भी चर्चा हो गई है। ये मीडियम साइज ट्री है, वुड बहुत उपयोगी नहीं है इसका, फ्रूट्स खट्टे खट्टे हैं और इसको खाए जाते हैं पकने पर, और ये साउथ गुजरात और जूनागढ़ के जंगलों में मिलता है। इसमें अगर देखेंगे तो बड़े खाते अचार भी बनता है, खट्टा खट्टा लगता है, सब्जी दाल में भी डालते हैं और इसमें छोटे छोटे एक से लेकर 5 सीड होते हैं इसके अंदर, लेकिन जो वाइबल सीड है जिससे नया लगा सकते हैं उसमें 1 या 2 ही निकलता है, लेकिन काफी रेयर है। हमारे जूनागढ़ के जंगल में, गिर के जंगल में मैंने देखा एक झाड़ मुझे मिला था, उसका हमने सीड कलेक्ट करवा के प्लांटेशन रेज करके और उसको लगवाया था, लेकिन जूनागढ़ में गिरनार में इसके काफी वृक्ष हैं और अपने बघई एरिया में टांग में इसके काफी वृक्ष हैं अभी भी, तो इसमें बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन इसको हमें जानना चाहिए इसके बारे में और इसको बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट दूसरा ये हम जानते हैं मोरिंगा कॉनकरेंसिस, मोरिंगेसी फैमिली का, जो हम आज सरगवो ड्रमस्टिक जो यूज करते हैं वो मिठो सरगवो होता है, लेकिन इसका जो भाई है वो कड़वो सरगवो है और ये कड़वो सरगवो जंगल में होता है, बहुत छोटा छवाया वेस्टलैंड में इसके बड़े बड़े झाड़ मिलते हैं और मीडियम साइज ट्री है, येलो स्ट्रीक विद रेड इसमें फ्लावर होता है, लेकिन दोनों में इसकी पहचान है कि इसमें जो इसकी लीफ होती है वो बाइपिनेटली कंपाउंड होती है, जो मोरिंगा कॉनकरेंसिस जो कड़वो सरगवो है इसको बाइपिनेटली कंपाउंड, और जो अपना सरगवो है मिटो वो ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ होती है, उसकी छोटी है ये लीफ की साइज बड़ी होती है और ट्री इसकी बार्क बार्क कॉर्की बार्क जैसा होता है और आयुर्वेद में इसकी बार्क का जो उपयोग कड़वा सरगवा का उपयोग काफी अच्छा बताया गया है, तो ये भी बहुत रेयर है, लोग मीठा सरगवा को जानते हैं, ये कड़वा सरगवा के बारे में जानकारी कम है, कुदरत ने दिया हुआ है, जंगल में है, वेस्टलैंड में है, इसको बचाने की भी जरूरत है। नेक्स्ट ये झाड़ के बारे में भी चर्चा हुई थी, अगथियो सेक्टो जिसको बोलते हैं, सेस्मेनिया ग्रैंडी फ्लोरा, ग्रैंडी फ्लोरा मतलब ग्रांड, इसका जो फ्लावर है काफी बड़ा होता है, मीडियम साइज तक भी है, लार्ज व्हाइट और पिंक करके इसके फ्लावर्स आते हैं, पेस्ट ऑफ रूट यूज रूमेटिज्म में इसको, कि इसका जो रूट का पेस्ट बना के उपयोग किया जाता है ऐसा लिटरेचर में लिखा हुआ है, और इसकी यंग लीव्स हैं, फ्लावर्स वगैरह इसका वेजिटेबल बनता है और फास्ट ग्रोइंग है, जंगल में मिलता है, इसकी कहीं कहीं खेती भी होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, इसको भी हमें बचाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फैबेसी फैमिली का है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, तो विन विन सिचुएशन है,
इसको वो लगा सकते हैं और काफी फास्ट ग्रोइंग है उसका। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी अपना एक जो अपना खाखरा होता है उसी में ही दूसरी वैरायटी है धोड़ो खाखरो, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वैरायटी ल्यूटिया, इसको धोड़ो खाखरो, येलो कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं और इसको मीडियम साइज का ट्री है, खाखरा की तरह ही होता है, फ्लावर्स आर व्हाइटिश येलो इन कलर, लेकिन इसके इसके नाम पर धोड़ा खाखरा नाम के गांव भी है, लेकिन अब इसके झाड़ बचे नहीं है, इस पर लोग इसके फ्लावर पूरे तोड़ के ले जाते हैं, इसकी बार्क ले जाते हैं, इसके नीचे लोग आके पूजा करते हैं, दीवार कर देते हैं, तो इसके झाड़ बहुत कम बचे हुए हैं। मैं जब जूनागढ़ में था, जूनागढ़ से जब सासन जाते हैं तो एक गांव आता है, उसके बाजू में एक झाड़ था, तो मैंने देखा था, उसकी फोटोग्राफी की थी और उसके सीड कलेक्ट करा के हमने नर्सरी में रेज करके उसको लगाया था। तो जहां भी कहीं ये बचा हुआ है, ये एक्चुअली दिस इज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की यादी में आज गुजरात में इसका नाम है वैरायटी ल्यूटिया का, तो इसको बचाने की भी जरूरत है कि घोड़ो खाकरो, नहीं तो नामज रेंज से आ झाड़ बच से नहीं। लोग में इतनी गैर मान्यता है, रिलीजियस इतना ज्यादा करते हैं कि इसको खत्म ही करने पर तुले हुए हैं, तो इसको बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट, दूसरा एक और झाड़ है जो अभी थोड़ा मिलता है, एरिथ्रिना वेरिगेटा, एरिथ्रिना इंडिका भी बोलते हैं, फेवेसी फैमिली का है, बोंगारो या पंडरवो, ये टॉल ट्री है विद स्पाइनी एंड स्मूथ स्टेम होता है इसका, विद स्पाइनी एंड फ्लावर्स आर डेजलिंग स्कारलेट, बहुत ही बढ़िया रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं और ऊपर लगते हैं, और जब लीफलेस हो जाती है तो लीफ होती है तब फ्लावर लगते हैं, और लीफलेस पर पूरा फुल ऑफ ट्रीज विद फ्लावर्स एंड बहुत सारी बर्ड्स इस पर आती है, सन बर्ड्स है, बहुत सारी बर्ड्स इस पर अगर देखेंगे तो 20 से 30 तरह की बर्ड्स आप। नेक्स्ट, यस, दूसरा इसका भाई है वो एरिथ्रिना सुबेरोसा, ये भी सेम फैमिली का, फैबेसी का, इसको भंगारो या झंगारियो खाकरो बोलते हैं, और ये मिडिल साइज ट्री विद कॉर्की बार्क, इसकी बार्क जो है कॉर्की जो होती है, और ब्यूटीफुल स्कारलेट रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं इसी सीजन में, वाले लीफलेस कंडीशन ट्री, बिल्कुल लीफ सब गिर जाती है, वुड बहुत बहुत उपयोगी नहीं, लेकिन गांव में जो है, गामड़ा में लोग इसको वाटर ट्रफ, ढोरों को पानी पिलाने के लिए वाटर ट्रफ इसका बनाते हैं, और ये बहुत ही रेयर है, लेकिन पंचमहल में भी इसके कुछ ट्रीज मिलते हैं, और इस पर भी वैरायटी ऑफ बर्ड्स 15-20 तरह की बर्ड्स आपको सुबह मिलेंगी, और बहुत ही सुंदर वृक्ष है, और मीडियम साइज का सभी लोग होता है, बहुत लंबा नहीं जाता है, तो इसको भी हमें, और ये कटिंग से भी हो जाता है, इसको हमें हर जगह लगाना चाहिए, और ये अपने कम रेनफॉल जोन में भी ड्राई डेस्टुडस एरियाज में होता है। नेक्स्ट, अब हम जो बात करेंगे वो डलवर्जिया लेटिफोलिया जो सीसम है अपना फेवेसी फैमिली का, इसके बारे में हर कोई जानता है, लार्ज क्लेवरस ट्री, ग्रीनिश फ्लावर, इसके लीफलेट 5 से 7 होते हैं, नॉर्मली 5 होते हैं, लीव्स इसकी ऑब्ड्यूस होती हैं, सामने से मुड़ी हुई, बहुत ही वैल्यूएबल टिम्बर है, हार्डवुड है, इसको ब्लैक वुड या रोज वुड के नाम से जानते हैं, आज अगर चंदन के बाद नंबर आता है तो सबसे कॉस्टली वुड है जो ब्लैक कलर की वुड होती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता जा रहा है। एक जमाने में हमारे सूरत में उमरपाड़ा के जंगलों में सबसे बेस्ट सीसम मिलता था, आज है लेकिन बहुत कम होता जा रहा है, हम लोग उसकी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको बचाने की जरूरत है, बहुत ही वैल्यूएबल टिम्बर स्पीसीज है। नेक्स्ट, ये पादरी पत्राल इसको बोलते हैं, इसकी लार्ज ट्री है, 9 से 13 लीफलेट्स होते हैं, वुड बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सुंदर ट्री है, और ये जंगलों में मिलता है, इसकी संख्या है अभी भी, लेकिन ये रेयर कैटेगरी में आ गया है, तो इसको भी बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट, इसका ही भाई दूसरा है डलवर्जिया लेंसियोलेरिया, ये इसको पत्राली या डिंडोसी बोलते हैं, इसकी जो है
इसकी जो लीफ लेट है वो 11 से 17 तक लीफ लेट होती है, उसकी लीफ लेट बड़ी होती है और इसकी टिम्बर बहुत ड्यूरेबल नहीं है लेकिन बहुत ही रेयर है ये भी जंगलों में, इसको भी बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट, सुंदर ट्री है ये भी। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट है टेरोकार्पस मार्सुपिया, बीओ जिसको बोलते हैं, बीजा साल बोलते हैं, इसकी लास्ट ट्री है, 5 से 7 लीफलेट एक्यूमुलेट होती है। वुड इज वेरी हार्ड, ड्यूरेबल है और गम इसका कीनो, कीनो इसका गम को कीनो बोलते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट टाइम बताया था इसकी लकड़ी से डायबिटीज के पेशेंट के लिए जो ग्लास बनाए जाते हैं इसका उपयोग करते हैं, लेकिन ये ट्री भी काफी रेयर है, इसको भी बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट, तो ये 25 झाड़ दे थैंक्स एंड टू कंजर्व द रेयर ट्रीज ऑफ गुजरात। तो ये पहले तबक्का में मैंने 25 झाड़ों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश किया है। ये सभी के सभी जो ट्रीज हैं आज गुजरात के जंगलों में मिलते हैं, छोटा चवाया कहीं कहीं मिलते हैं, बहुत कम हो गए, लेकिन हमें इनको बचाने की जरूरत है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।